नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNN चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा में, जहां पे मौजूदा विधायक अबू आसिम आजमी है समाजवादी पार्टी के। मैं आपको बता दूं, अबू आसिम आजमी 2009 में शिवाजीनगर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, तभी वो जीत कर आए। कंटिन्यू 3 बार अबू आजमी विधायक रहे हैं, अब 4थी बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अबू आजमी जब 2009 में चुनाव लड़ रहे थे, उसी समय शिवाजीनगर विधानसभा के साथ साथ उन्होंने भिवंडी विधानसभा से भी चुनाव लड़ा था, और एक ही साथ दोनों विधानसभा से वो चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन विधायक कोई एक ही विधानसभा से रह सकता है, इसीलिए अबू आजमी को अपनी भिवंडी की सीट को छोड़ना पड़ा। लेकिन अबू आजमी 2009 से 2024 तक कंटिन्यू विधायक है। मैं आपको बता दूं कि अब 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा शुरू होने जा रहा है, महाराष्ट्र विधानसभा होने जा रहा है, जिसमें महाविकास आघाड़ी की एक घटक में अबू आजमी ने वहां से 10 से 12 सीट मांगा था, लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से अबू आजमी को अभी तक एक भी सीट दिया नहीं गया है। देखना यह है कि अबू आजमी क्या समाजवादी पार्टी के बैनर तले फिर से शिवाजीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, अबू आजमी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कुल 2 विधायक चुनकर आए थे, जिसमें से एक भिवंडी विधानसभा और एक मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा। अब अबू आजमी जी को देखना यह है कि ये 2-3 दिन के अंदर महाविकास आघाड़ी से कितने सीटें मिलती है, या इस विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के साथ अबू आजमी होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अबू आजमी इस बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा जो नाम का चर्चा है वो नवाब मलिक का चर्चा है। आपको बता दूं, नवाब मलिक इस वक्त अनुशक्ति नगर विधानसभा के मौजूदा विधायक हैं, लेकिन महायुति में नवाब मलिक को लिया नहीं गया है। नवाब मलिक की पुत्री सना मलिक को अनुशक्ति नगर विधानसभा से उम्मीदवारी मिल चुका है, जिसमें अजीत पवार जी ने आज ही उन्हें AV फॉर्म दिया है। अब साथ BJP के जो नेता है डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने और मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने साफ साफ कहा था कि महायुति में नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया जाएगा और नवाब मलिक महायुति का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए नवाब मलिक को टिकट महायुति से मिला नहीं है। यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट से टिकट मिला नहीं है, लेकिन नवाब मलिक की लड़की को सना मलिक को टिकट अनुशक्ति नगर विधानसभा से तो मिल गया है। लेकिन चर्चा ये भी है कि नवाब मलिक शिवाजीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि नवाब मलिक को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलता है या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अबू आजमी ने भी कमर कस लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अबू आजमी जिस तरह 3 बार मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हैं, पहले भी कई उम्मीदवारों ने उन्हें हराने की कोशिश किया था, कई घमासान हुए थे, लेकिन कोई भी माइकलाल अबू आजमी को हरा नहीं पाया। अब देखना यह है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में किस तरह का समीकरण बनता है, कौन कौन यहाँ पे उम्मीदवार आता है, और अबू आजमी को हराने के लिए कौन कौन किस तरह की प्रक्रिया करता है। लेकिन अबू आजमी को हराना, यानी मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा से अबू आजमी को हराना नाक से चना चबाने के बराबर है। अब अबू आजमी ने अपनी घोषणा तो कर दिया है कि मैं शिवाजीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन देखना यह है कि अबू आजमी के साथ महाविकास आघाड़ी होती है या नहीं होती है, या अबू आजमी खुद के दम पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अबू आजमी के जो समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, जब पिछला लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ में रही है, समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया, रैली किया और कई सभा में वो शामिल थे। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में अबू आजमी को दरकिनार कर दिया गया है। अबू आजमी को अभी तक महाविकास आघाड़ी में के तरफ से कोई अलाउंस नहीं किया गया है कि अबू आजमी को इतनी सीटें दी जाएगी, समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें दी जाएगी, ऐसी कोई भी प्रक्रिया अभी तक आई नहीं है। लेकिन अबू आजमी नाराज चल रहे हैं महाविकास आघाड़ी से। अब देखना ये है कि शिवाजीनगर विधानसभा में कौन विधायक बनता है। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, मुंबई शिवाजीनगर विधानसभा।
CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।